दिग्रस शहर का नन्ना बल्लेबाज प्रभास डाकोरे देश के नामी क्रिकेट कोच और जानकारों से प्रशंसा बटोर रहा है। अपने खेल से उसने हाल ही में मुंबई क्रिकेट क्लब के दिग्गजों को भी प्रभावित कर सराहना हासिल की है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर की ईश्वर देशमुख इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला मात्र 4.5 साल का नन्हा विद्यार्थी प्रभास डाकोरे अपनी अद्वितीय तथा कलात्मक खेल प्रतिभा से सबको चौंका रहा है। हाल ही में उसने मुंबई का दौरा कर मुंबई क्रिकेट क्लब के कोच और खिलाड़ियों से प्रशंसा बटोरी है। भारतीय क्रिकेट टीम के धमाकेदार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के क्रिकेट करियर में अहम रोल अदा करने वाले मशहूर क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह और उनकी कोचिंग टीम ने भी प्रभास के क्रिकेट कुशलता की सराहना की है। प्रभासला मुंबई क्रिकेट क्लबवरून ट्रायलसाठी बोलावण्यात आलं होतं आणि अपॉइंटमेंटनुसार आम्ही त्या ठिकाणी गेलो। प्रभासची ट्रायल अतिशय छान झाली आणि त्यानंतर मुंबई क्रिकेट क्लबमध्ये त्याचं सिलेक्शन झालं आहे। मुंबई क्रिकेट क्लब देशामध्ये एक खूप मोठी इन्स्टिट्यूट आहे जी क्रिकेटरला बनवण्यासाठी काम करते। मुंबई क्रिकेट क्लबचे जे मुख्य कोच आहेत ते ज्वाला सिंग आहेत। त्यांच्यासोबत सहायक कोच म्हणून श्रीलंकेचे चमिंडावास, वसीम जाफर आणि रंगना हिराथे आहेत। त्यामुळं आमच्यासाठी एक पालक म्हणून ही अत्यंत गौरवास्पद बाब आहे। दिग्रसचे खासदार संजयभाऊ देशमुख यांनीसुद्धा या यशाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला। त्यांच्या पत्नी दुर्गा माता बहुउद्देशीय क्रीडा आणि शैक्षणिक संस्थेच्या सचिवा सौ वैशालीताई देशमुख यांनी सुद्धा खूप आनंद व्यक्त केलेला आहे। प्रभास की इस उपलब्धि पर न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि एसएस क्रिकेट अकेडमी गोंदिया के कोच सचिन शेंडे और दिग्रस के स्थानीय कोच सचिन इंगले ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, प्रभास के लिए एंड प्रभास के फैमिली के लिए। प्रभास जो कि एमसीसी क्रिकेट क्लब के लिए सिलेक्ट हुआ है और उन्होंने उसे रजिस्टर किया है अपने क्लब के लिए। एमसीसी के जो कोच है मिस्टर ज्वाला सिंह, उन्होंने काफ़ी प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, उनमें से यशस्वी जायसवाल, द्वि शॉ और काफ़ी स्टेट प्लेयर्स भी प्रोड्यूस किए उन्होंने। उनमें से दो बड़े नाम हैं जो यशस्वी जायसवाल एंड द्वि शॉ जो कि अभी करंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रभास जो कि अभी सिर्फ 4.5 साल का है और उसके पास जो भी जो क्रिकेटिंग स्किल्स है काफ़ी बेहतर है। ये एज में ऐसा क्रिकेटिंग स्किल होना बहुत ही रेयर पाया जाता है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में प्रभास अच्छी क्रिकेट खेल के अपने फैमिली का, देश का नाम रोशन करे। एज अ कोच मुझे बहुत खुशी है कि प्रभास आज स्टेज पर है जहाँ पर लोग उसे क्रिकेट के लिए पहचान रहे हैं। आने वाले समय के लिए प्रभास को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि प्रभास आने वाले समय अच्छी क्रिकेट खेले और देश का और सबका नाम रोशन करे। मी सचिन इंगळे प्रभासचा कोच म्हणून वर्षभरापासून प्रभासला कोचिंग करत आहे। काल रोजी आम्ही मुंबई येथे MCCला जर भेट दिली तर इथे ट्रायल होते। त्या ट्रायलमध्ये याने खूप चांगला परफॉर्मन्स दिला तिथे आणि असंच ते खेळत राहो, माझ्याकडून खेळा, खूप खूप शुभेच्छा। ईश्वर देशमुख इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल तथा वाइस प्रिंसिपल भी क्रिकेट जगत के जानकारों से और मशहूर हस्तियों से प्रभास को मिल रही सराहना से बेहद खुश है। उनकी खुशी मानो बता रही है जैसे प्रभास उनके स्कूल का चमकता सितारा बनने जा रहा है जो एक न एक दिन भारतीय क्रिकेट जगत में अपना खूब नाम रोशन करेगा। तो मैं बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले हमारे स्कूल मैनेजमेंट, हमारे सारे स्कूल टीचर्स और स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू डाकोरे सर जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, अपने बच्चे के अंदर ये प्रतिभा देखा और उसको आगे बढ़ाया। सो माय ऑल आइडियमिस फैमिली विशेस हिम अ ब्राइट फ्यूचर, विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर क्रिकेटिंग फ्यूचर। और ये रियली हमारे सभी लोगों के लिए गर्व की बात। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहूँगी, दिग्रस एक रूरल एरिया है,
यहाँ पे जहाँ पे स्किल्स को पहचानने के लिए कोचेस की कमी है, स्किल्स बच्चों में होता है लेकिन निखर नहीं पाती इतनी जल्दी, लेकिन प्रभास ने और उसके पेरेंट्स ने जो उसको इस तरह से गाइड किया, बीइंग अ एज ऑफ 4.5 ईयर्स ओनली उसकी स्किल को पहचाना और उसको प्रमोट किया, तो सबसे पहली बात तो यही एक प्राउड मोमेंट है कि एक रूरल एरिया में रहते हुए हमारा बच्चा इतनी कम उम्र में वहाँ तक पहुँचा है। और दूसरी बात ये है कि बीइंग अ पेरेंट्स, जो डाकुरे सर ने उसके अंदर आइडेंटिफाई किया, मदर ने जो आइडेंटिफाई किया और उसको प्रमोट किया, ऐसा हर पेरेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे का स्किल पॉलिश तभी कर पाएंगे जब हम उसको पहचान पाएंगे। तो बीइंग अ पेरेंट्स, ये जो इनिशिएटिव उनका है, ये बहुत अप्रिशिएबल है। बीइंग अ मैनेजमेंट, बीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारा KG-2 का बच्चा, इतनी कम उम्र का बच्चा जो समझ नहीं पाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट मोड में है, बट उसने इतनी कम उम्र में एक पर्टिकुलर स्किल को पहचान के उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट किया है। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन तक पहुँचना, मतलब ही इज़ हैविंग समथिंग डिफरेंट। तो आई विश हिम एंड द पेरेंट्स एंड द मैनेजमेंट ऑल द बेस्ट for his future in the cricket field, and he is going to promote that cricket in a more and more way. Thank you. Thanks, sir. जिस उम्र में बच्चे ठीक से कलम नहीं पकड़ पाते, उस उम्र में प्रभास अपने अनोखे खेल प्रदर्शन से क्रिकेट क्षेत्र के दिग्गजों और जानकारों को हैरत में डाल रहा है। उम्मीद है एक न एक दिन उसकी और उसके परिवार की ये मेहनत उसे कामयाबी के शिखर पर जरूर पहुंचाएगी। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।